बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मॉन्टेसरी क्लास के लिए हम सबसे पहले उर्दू की बुक से स्टार्ट लेंगे। उर्दू की बुक का पेज नंबर 6 रीड करना है आज हमें। पेज नंबर 6 पे देखें, ये है टा, टे टा। ये देखें टे, टे के ऊपर छोटी सी तोएं, टे के ऊपर छोटी सी तोएं। टे की साउंड क्या है, टे की जो आवाज़ है वो क्या है, टा। ओके, जल्दी से मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब हम। टा टमाटर, टा टमाटर, टा टोपी, टा टोपी, टा ट्रक, टा ट्रक। इसी तरह आपने अपने लेसन को बार बार याद करना है, ठीक है, बार बार पढ़ना है इसको। बार बार पढ़ने से आपको अपना लेसन बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। और आपने अपने पिछले जो पेजेस हैं, अलिफ अलिमदा बा पा ता तक रीड किया ना हमने, आपने वो सारे पेजेस रिवाइज भी करने हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने अपना सारा लेसन लर्न करना है, इस तरह आपको याद भी रहेगा और आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। आज हम बुक रीडिंग के साथ साथ वर्कशीट का काम भी करेंगे। ये देखिए, आज हम पेज नंबर 69 से स्टार्ट लेंगे। पेज नंबर 69 पे देखिए, पेंसिल फेरें और रंग भरें, ठीक है। आपने ट्रेसिंग भी करनी है और आपने कलर भी करना है। ये देखें टा, हमने अभी बुक में टा पढ़ा है ना, ये टा की आधी शक्ल है, ठीक है। टा टा, यहाँ पे मैं आपको ट्रेसिंग का तरीका बताऊंगी। ये देखें, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आप अपनी पेंसिल को मूव करेंगे। ये देखें, आपने इस डॉट को इस डॉट से, फिर इस डॉट को नेक्स्ट डॉट से, इस डॉट को नेक्स्ट डॉट से, आपने इस तरह से स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करना है और आपने एंडिंग लाइन तक जाना है। ये देखें इस तरह से, जब आप आराम आराम से काम करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग भी प्यारी लगेगी और आपका काम भी अच्छा लगेगा। ये देखें कंप्लीट। अब देखें, टा के ऊपर छोटी सी तोएं हैं, अब हमने इस तोएं को भी ट्रेस करना है। ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल आराम से और बहुत ध्यान से, ये देखें आपने इस तरह से ट्रेस किया। देन आपने यहाँ से स्टार्ट करके और इस तरह से आपने इसको कंप्लीट किया। ये देखिए टा। आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को इस लाइन के ऊपर 2 से 3 दफ़ा, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, 2 से 3 दफ़ा ट्रेसिंग करवाएं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह आपके बच्चे की पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। होप्स हो कि आपका बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा लिखना। टा टमाटर, टमाटर में कौन सा कलर होता है, जैसा कि सब बच्चों को पता है टमाटर लाल रंग का होता है, आपने टमाटर में लाल रंग करना है। ये देखें लाल रंग है, ये देखें इस तरह से, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको कलरिंग का पैटर्न भी बता चुकी हूँ, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने कलर्स भी कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली ये देखें टा, यहाँ पे भी टा है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इस टा को भी कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 70 पे देखें टा, टा से क्या बनता है, टोपी, टा टोपी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 लाइनें हैं जिसमें टा लिखा हुआ है, टा टा टा। ये देखिए, आपने पिछले पेज में जैसा कि मैंने आपको ट्रेसिंग का पैटर्न बताया है, उसी तरह ये देखें बिल्कुल टा को इस तरह लाइन के ऊपर आपने ट्रेस करना है आहिस्ता से। वालदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को गाइड करें। ये देखें, एक आपको रोंग करके दिखाऊं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपने पेंसिल को थोड़ा सा भी नीचे इस तरह से किया, ये देखें ये आपका काम रोंग हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करें कि आप आराम आराम से लाइन के ऊपर ऊपर ट्रेस करें। ये देखें ओके, इसी पेज की आपने प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से करनी है। ये देखें टा टा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टा को भी आपने ट्रेस करना है और आपने टा टोपी में प्यारे से कलर भी करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज हमारे पास 71 है। 71 पे देखिए पेंसिल फेरें और मिलाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसा कि पिछले पेजेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने टा को ट्रेस करना है, टा के ऊपर छोटी सी तोएं हैं इसको भी आपने ट्रेस करना है। देन आपने क्या करना है, ये देखें टा से आपने देखना, टा जो टा की आवाज़ से कौन सी पिक्चर बनती है, देखें कौन सी तस्वीर है, टा टोपी, टा टोपी, हम टा को टोपी से इस तरह मैच कर देंगे। नेक्स्ट टा टमाटर, टा टमाटर, टा को हम इस तरह से टमाटर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखें टा तितली, नो, ये टा छोटी सी तोए वाला है, ये देखिए टा टा टा, कौन सी आवाज़ आ रही है, टा, और ये जो तितली की साउंड है वो है ता, ठीक है, इसलिए हमने टा को तितली से मैच नहीं करना और ना ही इसमें हमने कलर करने हैं, ठीक है, जस्ट हमने टोपी में कलर करने हैं और टमाटर में कलर करने हैं। इसी तरह आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत तवज्जो से और ध्यान से समझा भी है और सुना भी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।